आप ये जो बिड रैंक की जो ऑप्शन होती है ये मोस्टली उस सूरत में यूज करें जब आपको पता हो कि मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ और आप ये भी फील कर रहे हैं ये जो क्लाइंट है ये पहले ही मेरे पास आ चुका हुआ है, मैंने इसका काम किया था और ये बहुत अच्छा रहा है, पे आउट हो रहा है और ये मैं अगर 4.99 USD लगा रहा हूँ इस पे तो ये मेरे बैकआउट हो जाएंगे, कोई इसमें मसला नहीं, फिर आप जरूर इस तरह करें। अदरवाइज सबसे बेहतर है कि आप एग्जाम दें, ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा जी हाँ अच्छा मेरा लेवल ये है और अगर मैंने इस लेवल का एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो मैं इस टास्क को कर सकता हूँ। और समटाइम ये भी होता है अगर आप बिड प्लेस कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे तो जो एम्प्लॉयर होता है वो इसी चीज से सेटिस्फाई हो जाता है कि जी इस बंदे ने लेवल 1 का एग्जाम क्लियर किया, लेवल 2 का क्लियर किया, लेवल 3 का किया है। ये जो एग्जाम वाली ऑप्शन है ना ये अगर बंदा 4.99 USD लगा के रैंक बीट को अपने रैंक कर रहा है सबसे ऊपर, ठीक है, और साथ ही एम्प्लॉयर को नजर आ रहा है एक बंदे ने एग्जाम क्लियर करके आया, तो एग्जाम जो क्लियर करके आया उसकी एक वेरिफिकेशन ऑलरेडी उसको मिल जाती है कि भाई इसको ये काम आता है, इसने इस लेवल का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, वो उस बंदे को इग्नोर कर देगा जिसने अपने बीट को रैंक करके 4.99 USD लगा के बिट को ऊपर किया होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर के जेन में फिर भी एक डाउट होगा यार ये बंदा स्पॉन्सर तो ठीक है इसने कर दिया है ठीक है पर इसकी मुझे थोड़ी स्किल्स क्लियर नहीं हो रही कि वेदर इसको ये काम आता है कि नहीं आता, पर जो एग्जाम जो देख के आया ना वो एम्प्लॉयर क्लियर होगा कि जी ये बंदा जो है ना इसको ये काम आता है, ये मेरा टाइम जाया नहीं करेगा, ठीक है, तो इस बंदे को मैं ये काम। अब आपका एग्जाम भी क्लियर नहीं है, अब आप बिड 4.99 USD लगा के हाईलाइट भी नहीं करना चाहते, तो फिर एक दरमियान की ऑप्शन रहती है कि $1 लगा के हाईलाइट कर लें, ठीक है, इस ये एक ऑप्शन ऐसी है जिसमें चांसेस आपके काफी हाई हो जाते हैं कंपैरेटिवली उस बिड के जो आपने प्लेस की हो विद न्यू अकाउंट और सबसे नीचे आ रही हो आप, उस जो सबसे नीचे बीड आ रही हो ना उसको बॉदर ही नहीं करता ना जो एम्प्लॉयर होता है, खास तौर पर जो अच्छा है क्लाइंट होगा वो कभी बॉदर नहीं करेगा उसको, क्योंकि वो ये चाहेगा कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, अच्छे क्लाइंट के पास टाइम होता ही नहीं है, वो चाहता है जी अच्छा बंदा पकड़ें काम करवाएं पे आउट अच्छा करें और रिफाइंड काम करवा लें, ना कि ऐसा बंदा पकड़े जो नया हो स्किल ही ना हो जो, क्योंकि देखिए बेशक आपको बहुत स्किल है उस चीज की पर एम्प्लॉयर आपको हायर नहीं करके क्योंकि वो आपको समझेगा यार ये नया बंदा है इसको नहीं हायर करना, ऐसा बंदा पकड़ो जो पहले से स्किलफुल हो, ठीक है, सबसे ऑप्शन उसमें फिर अच्छी एग्जाम की आती है क्योंकि उसमें सारी चीजें क्लियर होती हैं भाई इसने ये लेवल पे खड़ा हुआ है इसको ये चीजें आती हैं और प्रोजेक्ट भी इसी को दिया जाए, तो इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जब आप फ्रीलांसर पे आते हैं तो कोशिश करें आप जो एग्जाम्स है ना ये क्लियर कर लें, इससे आपके चांसेस 100 नहीं तो 90% चांसेस आपके हाई हो जाएंगे प्रोजेक्ट विन करने के। फर्दर वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट टेक्निक्स फ्रीलांसिंग की मिलती रहें।